असल एवरी वन आई एमदम टू माई चैनल इन दिसकस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशोमीटर स्टूडेंट पोटेंशियो मीटर क्या है पोटेंशोमीटर जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है पोटेंशियो मीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीटर मयरमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैयर करने वाली जो डिवाइस है उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं जिसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट इस कॉल्ड पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर नज़र आ रहा है जो कि आपने अक्सर लैब में भी देखा होगा ए इसके दो तीन दो टर्मिनल हैं ए और बी टर्मिनल इसके फिक्स हैं और जबकि सी टर्मिनल है ये स्लाइड करता है आपने रियो स्टेट को स्टडी किया था तकरीबन रियो स्टेट ही इसी तरह का ही वो भी तरतीब है उसी के अरेंजमेंट भी ऐसी ही है वही काम करता है ये भी लेकिन इसमें जो है इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि ये टू फाइंड अन नॉन ई एम एफ सेल यूज़ करते हैं पोटेंशियल मीटर को हम अन नॉन ई एम एफ सेल किसी भी सेल की ई एम एफ को फाइंड करते हैं उसके बाद हम कंपेयर टू ई एम एफ ऑफ सेल दो सेल हैं उनकी ई एम एफ को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियो मीटर से टू डिटरमाइन थर्मो ई एम एफ इसे हम थर्मो ई एम एफ भी फाइंड कर सकते हैं कंपेरिजन ऑफ रजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इसके लिए भी हम पोटेंशियो मीटर को यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक वोल्ट मीटर है और एम मीटर की कैलिब्रेशन करनी है तो उनकी कैलिब्रेट के लिए भी हम पोटेंशियो मीटर को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट आपके पास जो पोटेंशियो मीटर है ये एक मैंगानन वायर से बना होता है मैंगानन वायर या एक कॉन्सटेंट वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस कॉन्सटेंट होती है ताकि इसकी रेजिस्टेंस कॉन्सटेंट ना हो ये पोटेंशियो मीटर एक जो चीपर्स डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को फाइंड करने के लिए या फिर आप ईएमएफ कंपेयर करने के लिए जो आपने अलग अलग पॉइंट देखे हैं इनके लिए यूज़ करते हैं पोटेंशियल मीटर स्टूडेंट करंट को मैयर नहीं कर सकता ये पॉइंट माइंड में रखें पोटेंशियल मीटर करंट को मैयर नहीं कर सकता ये पोटेंशियल मीटर जो लेंथ होती है इसकी ये आपके पास जो है फ़ोर हंड्रेड भी हो सकती है और एट हंड्रेड भी हो सकती है इसको हम आगे जा स्टडी करेंगे अब जरा हम देखते हैं कि पोटेंशियो और वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क है स्टूडेंट अक्सर जो है हम अगर किसी भी सेल को आपने उसके वोल्टेज को देखना है तो हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो एक रियल जो है वैल्यू नहीं देता वोल्ट मीटर और पोटेंशियो मीटर दोनों ही चीपर हैं लेकिन पोटेंशियो मीटर जो है वो एक एक्चुअल एक वैल्यू देता है और वोल्ट मीटर एक्चुअल एक वैल्यू नहीं देता तो अब इनका ज़रा डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं आपके पास जो वोल्ट मीटर है इट इट रेजिस्टेंस इज हाई बट फिनाइट इसकी रेजिस्टेंस फिनाइट होती है ठीक है और हाई होती है जिसकी वजह से वैल्यू हम सही नहीं ले पाते और करंट को ड्रा करता है पोटेंशियल मीटर इट्स रेजिस्टेंस इज हाई बट इनफिनिट, इट ड्रॉस अब वोल्ट मीटर है इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सोर्स ऑफ ई एम एफ ई एम एफ से जो सोर्स है वहां से करंट को ड्रा कर देता है जिसकी वजह से रेडी खराब हो जाती है इसी तरह आपके पास है वो पोटेंशियल मीटर इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम सोर्स ऑफ ई एम एफ वोल्ट मीटर जो है मयरिंग पोटेंशियल इज लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल जो कि एक्चुअल पोटेंशियल है उससे कम मैयर करता है वोल्ट मीटर जबकि पोटेंशियल मीटर है एक्चुअल वोल्ट मीटर के इक्वल ही आंसर देता है द मइनिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल पोटेंशियल ओके इसका जो फोर्थ पॉइंट है वोल्ट मीटर का इट्स सेंसिटिविटी इज वेरी लो इट्स सेंसिटिविटी इज वेरी लो जबकि पोटेंशियो मीटर है इसकी सेंसिटिविटी इज़ वेरी हाई है लास्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर का इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मैथड वोल्ट मीटर में आपने अक्सर देखा है कि उसमें डिफ्लेक्शन शो होती है जीरो टू थर्टी जो उसमें वोल्ट आपके पास मौजूद हैं जीरो टू टेन जितने वोल्ट का वो वोल्ट मीटर है तो वहाँ पर तक डिफ्लेक्शन शो मेथड है लेकिन पोटेंशियो मीटर है ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड है इस पर काम करता है इसलिए कंट्रॉ नहीं होता कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियो मीटर की जब बात करते हैं तो इसमें आपके पास फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास तीन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं एक टर्मिनल ए है दूसरा टर्मिनल आपके पास बी है जो कि फिक्स टर्मिनल है जबकि टर्मिनल सी इसके ऊपर स्लाइड करता है ये जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट ये वही कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस है जो आपने अक्सर लैब में देखी है जो कि मैं नेक्स्ट फिगर में भी दिखाऊंगा आपको जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये 400 मीटर की होती है सॉरी 400 सेंटीमीटर की होती है या फिर 800 सेंटीमीटर की हो सकती है 4 मीटर या 8 मीटर की ये लेंथ यूज कर सकते हैं तो इसके लिए आपके इस पास जो है कंस्ट्रक्शन है इसकी आपके पास है ये मिंगरानी मिंगानियन वायर है और कांस्टेंट रेजिस्टेंस है वो हम यूज़ करते हैं इट्स इज कॉन्सिस्ट ऑफ अ वायर विच हैज़ रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू फिक्स टर्मिनल ए एंड बी वाइल अ स्लाइडिंग टर्मिनल सी कैन स्लाइड ओवर द वायर जैसे आपने देखा कि टर्मिनल सी इसके ऊपर स्लाइड करता है द रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कैन बी वेरिज फ्राम जीरो टू आर अगर आपके पास जो टर्मिनल है अगर आप सी को ये पॉइंट्स टी सी को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी वो वेरी करती है जीरो टू आर बाय मूविंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी फ्रॉम ए टू बी तो इसी तरह अब हम इसको यूज़ करते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है इसको यूज़ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट हैं उनको माइंड में रखना चाहिए पहला पॉइंट है आपके पास ई पोटेंशियल मस्ट बी कोनेक्टेड टू पॉइंट ए आपके पास ये ए पॉइंट है जितने भी आपके पास हाई पोटेंशियल जिस तरह ये पॉजिटिव को भी एक के साथ कनेक्ट कर दिया इस पॉजिटिव बैटरी को भी एक के साथ कनेक्ट कर दिया जितने भी आपके पास हाई पोटेंशियल होंगे एक के साथ कनेक्ट करने हैं जबकि जितने भी लो पोटेंशियल होंगे आपके पास ऑल द लो पोटेंशियल मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉइंट बी आपके पास जिस तरह ये नेगेटिव टर्मिनल है बी के साथ अटैच कर दिया गलवानोमीटर का भी आपने बी के साथ इस सॉरी इस बैटरी का भी आपने बी के साथ अटैच कर दिया तो ये आपके पास टोटली बी वाला पॉइंट है ये लो पोटेंशियल होगा और ए वाला जो आपके पास हाई पोटेंशियल होगा ओके अब हम जरा देखते हैं कि जो आपके पास वायर यूज करते हैं उसका डाया है वो सेम होना चाहिए द डाया ऑफ वायर मस्ट बी सेम एवरीवेयर ये जो वायर होगी जो मैं आपको आगे फिगर में भी दिखाऊंगा जिसकी रेजिस्टेंस है चार मीटर सॉरी वायर है या एट मीटर है तो उसकी डाया मीटर उस सेम होना चाहिए ताकि इसकी रीडिंग सही आ सके पॉइंट नंबर फोर है आपके पास आल लो पोटेंशियल मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉइंट बी जो कि आपने देखा कि लो कनेक्ट लो पोटेंशियल है उनको हमने बी के साथ कनेक्ट किया है अब जरा हम मेन पॉइंट जो आपका मेन क्वेश्चन है जो कैमसी में भी आ जाता है या फिर आपके पास शार्ट क्वेश्चन है टू मार्क्स का कि वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मीटर तो प्रिंसिपल आप देख सकते हैं कि वैन आ स्टेडी करंट स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ वायर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो इट्स लेंथ स्टूडेंट आपके पास जो पोटेंशियल वोल्टेज है ठीक है स्टेडी करंट जिस वायर के अंदर से पास हो रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो एनी लेंथ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन भी आप इसकी बना सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल वोल्टेज है ठीक है पोटेंशियल वोल्टेज जो आपके पास होगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा ये आपके पास इसका प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा ओके okay, अब हम जरा देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो आप लैब में अक्सर देखते हैं जैसे मैंने आपको अभी बात की कि मैं आपको दिखाता हूँ ये आपके पास पोटेंशियोमीटर इस तरह का पड़ा होता है ये वायर यहाँ से शुरू होती है यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड कनेक्टेड ही होती है दूसरी वायर के साथ ठीक है ये यहाँ से टूट नहीं जाती इसका कनेक्शन अलग नहीं हो जाता ये यह यहाँ से ऐसे मूव कर रही होती है फिर यहाँ से फिर ऐसे मूव कर रही होती है ये एक ही वायर है स्टूडेंट ये लेकिन ये जो है आठ मीटर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे जा रही है आपकी लैब में अक्सर जो पड़ी हुई है वो फोर मीटर की है लेकिन ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एट है ये यह यहाँ से शुरू होंगी ये सारी जो है फिक्स्ड है और यहाँ पे जाके बी टर्मिनल पे जाके यहाँ फ्री होगी ए और बी टर्मिनल इसके दो ही हिस्से हैं एक ए पे और बी पे ठीक है बी को आपने देखा था कि लो पोटेंशियल ऑन है और ये ए वाला आपके पास सारा हाई पोटेंशियल इसके साथ आप जो है ना अगर रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाते हैं या लैब में यूज़ करेंगे जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको वहाँ पे देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं जबकि आप इसके ऊपर जो है स्लाइड को की को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे ये इसके दो टर्मिनल है ए और बी जबकि सी टर्मिनल स्टूडेंट क्या होगा वो आपके पास एक जॉकी होगी जिसको आपने ग्लवानोमीटर के साथ अटैच किया होगा और दूसरा ग्लवानोमीटर को आपने अटैच किया होगा एक बैटरी के साथ तो इसके ऊपर स्लाइड करेंगे ठीक है ए पॉइंट से बी तक इसकी वैल्यू चेंज होगी इसकी रेजिटेंस जीरो टू आर चेंज होगी ठीक है और दूसरी बात इसकी लेंथ चेंज होगी ठीक है और तीसरी बात यह कि आपने गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़ीरो लेनी होती है आप इसके ऊपर मूव करेंगे जहाँ पर आपका गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो ज़ीरो आ जाएगी तो वो आपका वहाँ पे आपने इसकी लेंथ को नोट करना है जो मैं आपको अभी फार्मुल्थ बताऊंगा उसके हिसाब से पुट करेंगे स्टूडेंट आपके पास जो लेंथ क्या होगी ये आपके पास अगर यहाँ पे आप टच कर रहे हो यहाँ पे टच कर रहे हो इसको तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है कैपिटल लैल ठीक है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल एल तब ये बात याद रखनी जरूरी है क्योंकि हम इनको यूज करेंगे यहां पे तो टोटल लेंथ इसकी क्या है कैपिटल एल होगी जो कि कितनी है एट मीटर ठीक है और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगी ठीक है जो कि कॉन्स्टेंट होगी ओके दूसरी बात आपके पास क्या है अगर आप जॉकी को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो स्लाइड सी टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो तो आप ये वाली लेंथ जो होगी ये आपके पास समाल एल होगी ठीक है दूसरी बात और अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो इससे आर होगी ओके स्टूडेंट इसको हम स्टडी करते हैं मज़ीद वर्किंग में जिसमें हमने इनको यूज़ करेंगे कि हम ई एम एफ कैसे फाइंड करते हैं एक सेल की जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास ये ए और ये बी टर्मिनल है इसको आपने पॉजिटिव के साथ अटैच किया है ये आपके पास ई e है बैटरी ई e है ठीक है जिसको जिस जो जिसकी वैल्यू हमें मालूम है कि थर्टी वोल्ट ये नॉन वैल्यू है उसके बाद आपने क्या किया ये आपके पास ए टर्मिनल है ये आपके पास बी टर्मिनल है तो आपने ए के साथ जो अन है वैल्यू अन आपके पास सेल है जिसकी आपने ई देखनी है ई कि एम कितनी है तो वो अभी ई एक्स लिखेंगे इसको ये आपके पास ई एक्स होगा इसको आपने यहाँ पे अटैच किया हुआ है ये आपके पास ई एक्स है ओके इसको हमने गलवानोमीटर के साथ अटैच किया है और आगे ये आपके पास स्टूडेंट एक जॉकी है जॉकी को हम यूज करते हैं इसके ऊपर स्लाइडिंग टर्मिनल है इसके ऊपर हम यूज करेंगे ओके एक मेन पॉइंट जो है इसमें आपके पास जो ये वाली रेजिस्ट टोटल इसकी लेंथ है वो कैपिटल एल है ठीक है टोटल लेंथ इसकी और अगर स्लाइडिंग जो है सी आपके पास यहां पे टच कर लेती है स्टूडेंट यहां पे तो आपके पास ये वाली जो लेंथ होगी ये आपके पास स्मॉल एल होगी ओके स्टूडेंट कैपिटल एल और स्मॉल एल अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे अगर आपके पास जो फार्मूला होगा तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेस आई हैं वो किसके इक्वल आती हैं उसके हिसाब से आप इस लेंथ को पुट करोगे ओके okay. इफ ए बैटरी ऑफ ई एम एफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस आर देन करंट फ्लोइंग थ्रो इट इज आई इज इक्वल टू ईवर आर स्टूडेंट आपने अगर बैटरी को कनेक्ट कर दिया है इसके अंदर जो करंट पास होगा वो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर होगा सोरी so ये आपके पास है ई ओवर आर ई ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर ई क्या है जो आपने ये वाला सेल यूज़ किया हुआ है ठीक है आर क्या है इस बैटरी की तो, इस जो लेंथ है इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगी टोटल रेजिस्टेंस रोट अभी आपने मैंने बताई थी क्या होगी कैपिटल आर होती है जबकि स्मॉल आर रेजिस्टेंस क्या होगी अगर ये सी टर्मिनल यहाँ पे टच कर लेता है तो ये आपके पास क्या होगा अगर ये सी टर्मिनल यहाँ पे टच कर लेता है तो ये स्मॉल आर हो जाएगी ये वाली रेजिस्टेंस अगर इसको सी टर्मिनल को यहाँ पे टच करते हो तो स्मॉल आर बढ़ रही है अगर आप करीब लेके आते हो तो यहाँ पे स्मॉल आर कम हो रही है एक की तरफ कम होती है ना आपने रियो स्टेट में देखा था कि अगर आप लेंथ स्लाइडिंग वायर को आप ए की तरफ लेके आते हैं तो आपके पास रजिस्टेंस कम होती है अगर ये सेम अवे मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ओके अब है आपके पास इफ वी रिप्रजेंट द रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी अगर आपने कोई भी रेजिस्टेंस ए पॉइंट और सी के दरमियान में लगा दी है देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी वही बात की अगर आपने ए और सी के दरम्यान में कोई रेजिस्टेंस यूज़ की ये वाली ठीक है इसको आगे पीछे मूव किया तो इनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर होगा ठीक है स्टूडेंट टोटल आर क्या है टोटल ए से बी तक जितनी भी लेंथ है वो टोटल आर कैपिटल आर है और इसकी सॉरी रेजिस्टेंस और अगर टोटल लेंथ की बात करें तो कैपिटल एल है स्मॉल एल कौन सा होगा जहां पे ये पॉइंट टच करेंगे ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं ठीक है ये स्लाइडिंग सी तो ये वाली जो लेंथ होगी स्मॉल एल होगी और अगर इसी लेंथ को आप रेजिस्टेंस में चेक, चेक करना चाहते हैं तो ये आपके पास स्मॉल आर बी होगी ठीक है ये स्मॉल आर बी होगी ओके जिसकी हम इक्वेशन जिस पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, थी रियल स्टेट में वी इज इक्वल टू आर ई ओवर आर कैसे आपने इक्वेशन निकाली कि जैसे आपके पास V इज इक्वल टू आई आर होता है तो ये I की वैल्यू आपने यहां पे लिखी हुई थी स्टूडेंट आपने पढ़ा था ओहला में क्या इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू आई स्मालवल टू आई आर कौन सा पोटेंशियल वोल्टेज है ये पोटेंशियल वोल्टेज ये है कि अगर आपने A और C के दरमियान में कोई भी रेजिस्टेंस यूज किया तो वहां पे जो वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसको लिखेंगे वीज इक्वल टू आई आर जो टोटल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो वीज इक्वल टू तो टोटल आई आर होंगे कैपिटल आर ठीक है uh, करंट पास होगा तो वीज आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू ई ओवर आर अगर हम बात कर रहे हैं इस ए और सी टर्मिनल की तो आपके पास आ जाएंगे आई स्मॉल आर आई की वैल्यू स्टूडेंट अभी अपने निकाली है वो आई की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर वो आपके पास आ जाएगा ई ओवर आर और ये स्मॉल आर आपके पास वैसे वैसे अब जो आपके पास इक्वेशन आई है वी इज इक्वल टू आर इन टू ई ओवर आर ई क्या है इसमें नॉन वैल्यू बैटरी की थर्टी वोल्ट है फिफ्टी वोल्ट ये हमें पता होगा और स्मॉल आर के पास वो रेजिस्टेंस है जो इसके दरमियान होगी स्मॉल रेजिस्टेंस ये यहाँ पे मीटर देख लेते हैं हम कैपिटल आर आपके पास क्या टोटल रेजिस्टेंस ओके स्टूडेंट आपने एक और इक्वेशन स्टडी की थी दस द पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी वैरिड फ्रॉम जीरो टू वी अक्रॉस ए एंड सी Terminals by sliding the terminal C from A to B. A source of potential difference whose EMF is to be measured is connected A and sliding connected C through a galvanometer G. So now अब आपने के पास जो है ये E X है इसको आपने measure करना है E X को तो इसको आपने connect कर दिया है A के साथ और terminal C के साथ और center में आपने galvanometer को attach कर दिया है. okay. The potential divider is connected at point A after adjusting the circuit case ke andar jo aapke के galvanometer अंदर जो आपके पास galvanometer so adjusted स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट show no एडजस्टेड at this शो नो emf एट दिस कंडीशन potential difference across a and c whose value is known हु मैंने आपको बताया था अगर आपने ए से बी तक जाएंगे तो वोल्टेज चेंज होंगे जीरो टू वी तक अगर आप स्लाइडिंग टाइप कोई कॉन्टेक्ट हो गई या इसके ऊपर मूव करेंगे ना तो आपके पास वोल्टेज चेंज होंगे आप में करंट डिफ्लेक्शन को भी देख सकते हैं कि वो भी चेंज होगी ठीक है ए टर्मिनल पे लगाएंगे तो ए की तरफ होगी बी टर्मिनल पर लगाएंगे तो बी की तरफ डिफ्लेक्शन शो होगी ठीक है तो ए पे ए की तरफ लगाएंगे तो उसका मतलब कि आपके पास ई एक्स ग्रेटर होगा ई से अगर बी की तरफ लगाएंगे तो आपके पास जो की डिफ्लेक्शन जो इसी तरह शो करेगी जिसका मतलब क्या होगा कि ई एक्स हमारा है ए से लेकिन अगर आप ई एक्स इज इक्वल टू ई लेते हैं वो उस वक्त होगा जब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा नल डिफ्लेक्शन आपके पास ग्लवानोमीटर जो है अगर आप इसको इस ऐसे पॉइंट पे ले आते हो जहां पे इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो शो करे तो आपने वो उसको नोट करना है अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास कि आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे जीरो शो कर रहा है यहां पे ठीक है तो अब यहाँ पे इसकी लेंथ देख लें कितनी है स्मॉल एल वो आपके पास कितनी होगी फॉर एग्जांपल वो आपकी को, कोई भी वैल्यू हो सकती है ट्वेंटी या थर्टी मीटर हो सकती है सेंटीमीटर हो सकती है ठीक है क्योंकि टोटल इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट वो आपने देखा था टोटल लेंथ इसकी कैपिटल एल थी और टोटल रजिस्टेंस कैपिटल आर थी और स्मॉल एल है रजिस्टेंस और इसकी दरमियान इसी को जो रजिस्टेंस लेगी वो भी स्माल आर होगी ओके इसी स्मॉल आर को आपने नोट करना है इन केस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर आपके पास स्टूडेंट ये यूनिफॉर्म एरिया है ये वह आपने पहले ही बोला था कि इसका डाया सेम होना चाहिए अगर ये एक यूनिफॉर्म एरिया है तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि आपके पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एल के स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल के क्योंकि आप स्लाइडिंग कंटेक्ट हो यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो इसके दरमियान में स्मॉल आर आएगा और स्मॉल एल होगा जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले, ले रहे हैं जिसकी वजह से लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दूर जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और लेंथ भी बढ़ेगी इसी तरह अगर कैपिटल आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के कैपिटल आर प्रोपोर्शनल एल के अब जो फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा था ई एक्स इज इक्वल टू आर ई ओवर आर जो इक्वेशन पीछे आपने निकाल ली थी ई एक्स आर नॉन वैल्यू है जो आपने फाइंड करनी है सेल की और कैपिटल ई e जो ऊपर आपने लिखा है वो आपके पास ये सेल की वैल्यू है ठीक है और को डिवाइडेड बाय कैपिटल आर अब आर और स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह पे आपने स्मॉल एल और कैपिटल एल लिख देना है ताकि आप पोटेंशल मीटर की रीडिंग ले सकें जो कि आपके पास इक्वेशन आ गई है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एल और इसके साथ आपने ई e मल्टीप्लाई किया अब स्मॉल एल स्टूडेंट कहाँ से आपने लेना है ये लेंथ है इसके ऊपर आपने देखना है कि स्मॉल एल कितनी है ट्वेंटी मीटर सेंटीमीटर है थर्टी सेंटीमीटर है ठीक है ये वन मीटर है या टू मीटर है क्योंकि ये लेंथ यहाँ पर इसके ऊपर मीटर लगा होता है आप उसके हिसाब से इसको काउंट करेंगे लेंथ को और डिवाइडेड बाय कैपिटल लेंथ कितनी है अगर आप पोटेंशियल मीटर स्टूडेंट चार मीटर का यूज़ कर रहे हैं तो चार मीटर होगी अगर आठ मीटर वाला पोटेंशियल मीटर यूज़ करें तो कैपिटल एल आई कैपिटल एल जो है वो एट होगा और उसके बाद आपके पास ये ई e है ठीक है e ई की वैल्यू आपको पता है ये तो आपको सेल आपको नॉन वैल्यू है ये थर्टी वोल्ट लगा रहे हो थ्री वोल्ट लगा रहे हो फाइव वोल्ट लगा रहे हो टेन वोल्ट लगा रहे हो वो पुट करेंगे इसको पुट करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ई e एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो सेल की कितने वोल्ट का है उसकी ई एम एफ कितनी है ओके okay, स्टूडेंट अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट दूसरा यूजेस ऑफ ग्लवानामीटर कंपेयर ई एम एफ ऑफ डिफरेंट टू सेल्स अब स्टूडेंट आप सर्किट में देख सकते हैं सिचुएशन वही वही है बिल्कुल हाई पोटेंशियल को आपने एक के साथ जोड़ा हुआ है ई ये आपके पास एक ई बैटरी है एक ई सेल है ठीक है इसको आपने कंपेयर करना है ये वाले दूसरे सेल ई के साथ ये आपके पास स्टूडेंट ई है ठीक है ये हाई पोटेंशियल आपको बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं और आपने ग्लैनोमीटर अटैच किया हुआ और इसको आपने सी के साथ जोड़ा हुआ है और स्टूडेंट ये ई वन है तो ये इसके साथ अगर, अगर अटैच करते हैं तो ये ई वन की जो लेंथ है स्टूडेंट वो आपके पास एल वन आ जाएगी इसी तरह ये ई टू बैटरी है इसकी लेंथ आपके पास ई टू आ जाएगी ये लेंथ चेंज होगी एल टू चेंज हो जाएगी लेंथ ठीक है ओके अब जरा क्या करेंगे अब हम इसकी क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं वी कैन कंपेयर डिफरेंट ई एम एफ ई वन एंड ई टू इफ टू सेल्स ईजिली बाय इजीली फाइंड द बैलेंसिंग कंडीशन बैलेंसिंग कंडीशन स्टूडेंट क्या होगी अगर आपके पास यहाँ पे ग्लोनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन जीरो शो करती है तो आपके पास एक बैलेंसिंग कंडीशन है और इसकी लेंथ भी बैलेंसिंग होगी इफ आई एल एल इज द बैलेंसिंग टू वन देन आपके पास अभी आपने इक्वेशन स्टूडेंट पढ़ी थी ये वाली ई वन इज इक्वल टू एल वन एल डिडेड बाई कैपिटल मल्टीप्लाई बाई पढ़ा था उसी को आपने सेट किया ठीक है ई वन इज इक्वल टू ई एल वन डिवाइडेड बाई एल इस नंबर को आपने इक्वेशन नंबर टू बना दिया क्योंकि नंबर आपके पास वन पहले बनी हुई है उसी को आपने पहले सेल के लिए यूज किया ई वन के लिए इसकी लेंथ स्टूडेंट एल वन होगी ठीक है बैलेंसिंग लेंथ होगी ओके इसी तरह अगर हम बात करें सिमिलरली इफ द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ क्रॉस पेंडिंग द ई वन देन लेंथ टू वो आपके पास आ जाएगी ई टू इज इक्वल टू ई एल टू ओवर डिवाइड बाई एल अब अगर आप ई टू ये वाली आपके पास ई टू है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास एल टू है और ये आपके पास एल वन है ठीक है इसको ये चेंज भी हो सकती है ये लेंथ अगर सी को आगे पीछे मूव करते हैं ठीक है ठीके? और टोटल लेंथ स्टूडेंट आपको पता है इसकी टोटल लेंथ आपको पता है कैपिटल एल है ठीक है और टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है कैपिटल आर है तो ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू बन गई आपने इनको कंपेयर करना है तो इनको डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई वन डिवाइड बाई ई टू इज इक्वल टू एल वन डिवाइडेड बाई एल टू इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो कॉमन वैल्यू होंगी ई वन इन से कैंसिल हो जाएगा एल वन एल से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी ओके अब ज़रा स्टूडेंट आपने इसको कंपेयर कैसे करना है मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मेरे पास अगर ई वन है यहाँ पे डिवाइडेड बाय ई टू आया है ठीक है अगर आप एक लेंथ को स्टूडेंट ले, ले लेते हो थ्री मीटर एल वन को और दूसरी को लेंथ को ले लेते हो एल टू को आप ले, ले लेते हो फोर मीटर ठीक है या आप कह सकते हो यहाँ पे सिक्स मीटर ले लो एट मीटर यूज़ कर रहे हो तो तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा ठीक है तो आपके पास ई वन इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये ई टू को उधर ले आओगे तो ये इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा वन पॉइंट टू के साथ ठीक है या आप ई e के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू से कितने गुना बड़ी है ये कंपेयर कर सकते हैं इस तरह ठीक है ई वन इज़ इक्वल टू ई टू की कितनी वैल्यू के इक्वल अगर ये फोर ई है तो उसका मतलब ई वन जो है वो उसके फोर ई के इक्वल है ओके ओके स्टूडेंट ये अब था आपका एक लेक्चर जिसमें पोटेंशियल मीटर हमने स्टडी किया तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर देखेंगे आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा नेक्स्ट हम एक्सरसाइज़ और नोमेकल की क्वेश्चन और उनकी वीडियोज़ बनाएंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़